तहसीलदार प्रमोद गुप्ता का एक बार फिर से विवादित कारनामा सामने आया है। पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर उन पर आरोप लगाए। दरअसल पटवारी रिद्धि जायसवाल को बिना लिखित के ही नामांतरण करने का तहसीलदार ने आदेश दिया था, जिसके चलते पटवारी ने प्रकरण नहीं बनाया और तहसीलदार ने महिला पटवारी को बिना शोको नोटिस जारी किए ही उसे सस्पेंड कर दिया, जिससे आक्रोशित पटवारी संघ ने कोटा एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नहीं तो अगर हम सही हैं तो हमारे खिलाफ इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगा करके इस तरीके से कार्रवाई करना ठीक नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि भाई किसी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई ना किया जाए, बेवजह जो होती है। हाँ, और वो मौखिक नहीं, वो बाद में लिखित रूप से मुझे निलंबन के लिए दिया गया है लेटर जो है, लेकिन जो फौती नामांतरण के लिए बोला गया था वो मौखिक रूप से बोला गया। पटवारी संघ में कुछ पेमेंट रुका होगा कुछ लोगों का, उसकी मांग रखी गई तो पेमेंट तो तुरंत मैं बनवाने के लिए बात किया हूँ, और कुछ किसी का एरिया उन्होंने रुका हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो वो सब समस्या उन्होंने सॉल्व कर रहा हूँ। खरा पूछने से जो जानकारी मिला कि इलेक्शन में काम नहीं किए, इतना बड़ा इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गया, मतदाता सूची निर्माण का था, मतपत्र का बंडलिंग कार्य था, जाँच कार्य था, पूरा पटवारी किए नियमानुसार अच्छे से किए, दिनों रात लगा मेहनत करके की उसको, उसके बाद भी इनका कहना है कि इलेक्शन का काम सही तरीके से नहीं किया गया। वैसे डोल के सिंहपुर की रहने वाले